गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बिजी इंग्लिश चैनल पे। तो आप अभी बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स सीख रहे हैं। कल हमने बेसिक फंडामेंटल नंबर 1 पढ़ा था, तो आज जा रहे हैं हम बेसिक फंडामेंटल नंबर 2 की तरफ। ये जो बेसिक फंडामेंटल नंबर 2 है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्पेशली ये जो टॉपिक है 10th, 11th, 12th स्टैंडर्ड में सबसे इम्पोर्टेंट है। वैसे भी 8, 9, 10 से शुरू हो जाता है ये टॉपिक भी। तो मॉडल ऑक्सिलरी सबसे इम्पोर्टेंट है। मॉडल ऑक्सिलरीज और हेल्पिंग वर्ब्स सो कल हमने ये टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में थोड़ा सा पढ़ा था वर्ब्स में, कि हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरीज क्या रहते हैं। तो आज ये थोड़ा सा उसके आगे ये टॉपिक जा रहा है। तो मॉडल ऑक्सिलरीज क्या रहते हैं, कितने मॉडल ऑक्सिलरीज हम यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हम यूज़ करते हैं। आपको तो पता है कि मॉडल ऑक्सिलरीज क्या हेल्प करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब सेंटेंसेस कंप्लीट करने के लिए हेल्प करते हैं, और उनका एक खुद का एक अलग मीनिंग होता है। इसको हम मॉडल्स कहते हैं या मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में। ऑक्सिलरी में सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्म्स क्या रहते हैं। फॉर्म्स यहां पे हम इसको डिवाइड करेंगे प्रेजेंट और पास्ट में, प्रेजेंट एंड पास्ट। सो फॉर्म्स में सबसे पहले लेते हैं फॉर्म्स ऑफ बी। प्रेजेंट में होता है इसका एम इज आर, एम इज आर। और पास्ट में इसका होता है वॉज वेयर, was, where. So forms of be में present और past, am, is, are, was, where. Next आता है forms of have, इसका भी present में होता है have, comma, has, और past में होता है had, have, has, had. फिर आता है forms of do, यहाँ पे इसका होता है do और does, और फिर past में होता है इसका did. So forms of be, am, is, are, was, where, forms of have, has, had and forms of do, does, did. फिर आगे चल के ये जो टेबल है सीरियली प्रेजेंट और पास्ट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे मेरे बोर्ड पे जितना स्पेस है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग वहाँ पे कंप्लीट कर लीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कि बेसिक फंडामेंटल नंबर 2 मॉडल ऑक्सिलरीज और हेल्पिंग वर्ब्स। हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि फॉर्म्स ऑफ बी, am, is, are, was, where, forms of have, has, had and forms of do, does, did. और फिर यहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट में मैं इसको कन्वर्ट करके रखा है कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट और शैल, शुड। तो ये लिस्ट थोड़ी बढ़ते बढ़ते आगे जाने वाली है। आपको इस सीरियली नंबर से प्रेजेंट और पास्ट में ये लिस्ट कंप्लीट कर लेनी है। बस इतना ही बेसिक फंडामेंटल नंबर 2 है, जो कि आपको पूरे बेसिक इंग्लिश ग्रामर में सबसे इम्पोर्टेंट है, हेल्पिंग वर्ब्स है। फिर आगे चल के आपको थोड़ा सा और जो एक्स्ट्रा है, जैसे है इनअप टू, इन अप टू, ऑट टू, ऑट टू, यूज टू, हैव टू, नीड टू। बस ये आपको रजिस्टर में एक के नीचे एक, इसका प्रेजेंट और पास से कुछ लेना देना नहीं है। इन अप टू, ऑट टू, यूज टू, हैव टू और नीड टू, बस ये स्पेशली यूज करते हैं। इसके आगे जो भी वर्ब्स आता है वो वीवन आता है, इसलिए इन ऑफ टू, ऑट टू, यूज टू, हैव टू, नीड टू, ये स्पेशल वर्ब्स है। इसको स्पेशल यूज किया जाता है, इसके सेंटेंसेस अलग होते हैं और इसके फंक्शंस भी अलग होते हैं। सो मॉडल ऑक्सिलरीज जो अभी हमने पढ़े हैं, आपको अगर काउंट करना है तो काउंट भी कर लीजिए। देखिए मैं काउंट करता हूँ यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. सो देर आर 26 मॉडल ऑक्सिलरीज। वैसे तो इसमें से हेल्पिंग वर्ब्स अगर माइनस कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8, सो इसमें ये बाकी आप माइनस कर लेते हो तो बाकी के जो बचे हैं यहाँ पे, तो कैन से लेके नीड टू तक ये मॉडल से, और यहाँ पे डू डज डिड तक ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब्स है।
सो इस तरह से है हेल्पिंग वर्ब्स का या मॉडल ऑक्सिलरी का चार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। और बेसिक फंडामेंटल नंबर टू मॉडल ऑक्सिलरीज, इसमें से अभी सिर्फ आपको इस मॉडल के स्पेशली फंक्शंस क्या होते हैं बस उतने ही आपको अभी इस लेसन में और आगे जाना है, थोड़ा सा और आगे आपको पढ़ना है। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम क्या करेंगे, एक साइड में यहाँ पे मॉडल्स लिखते हैं, फिर दूसरे साइड में यहाँ पे फंक्शंस लिखते हैं, मॉडल्स एंड फंक्शंस। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको और एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ, मतलब यही मेरा चार्ट आगे चल के इस बोर्ड पे ऐसे ही जाने वाला है। मैं यहाँ पे इसको ऐसे यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, आपके जो रजिस्टर का पेज रहता है वो कंटिन्यू चलेगा। ये मैं एक बार आपको पढ़ के दिखाता हूँ, कैन कूल एबिलिटी कैपेसिटी परमिशन रिक्वेस्ट, यहाँ पे इधर से मॉडल्स है और दूसरी तरफ उसके फंक्शंस है। कैन कूल का जो फंक्शन है होता है एबिलिटी कैपेसिटी परमिशन रिक्वेस्ट, फिर आता है मे माइट परमिशन विश पॉसिबिलिटी, फिर माइट में जो ब्रैकेट करके रखा है तो इसका फंक्शन स्पेशली है लेस पॉसिबिलिटी, फिर है मस्ट, मस्ट का होता है फिक्स डिटर्मिनेशन ऑब्लिगेशन नेसेसरी, और मस्ट को अगर निगेटिवली यूज करते मस्ट नॉट हो जाता है प्रोहिबिशन, फिर है हैव टू, हैव टू को होता है मस्ट। सो स्पेशली आगे बढ़ते चार्ट में शाल एंड शुड, शाल का होता है प्रॉमिस विलिंगनेस, शुड का होता है एडवाइस, जो ब्रैकेट में मॉडल लिखा है उसका फंक्शन भी यहाँ पे ब्रैकेट में होता है, फिर है विल वुड सर्टेनिटी फ्यूचर इवेंट, सो विल का स्पेशली है सर्टेनिटी फ्यूचर इवेंट, विलिंगनेस डिटर्मिनेशन, और वुड का स्पेशल है हैबिचुअल एक्टिविटी इन द पास्ट, फिर है ऑट टू, ऑट टू का है मॉरल अप्लीकेशन एंड स्ट्रांग पॉसिबिलिटी। तो इस चार्ट में सिर्फ अभी दो और फंक्शन बढ़ाने हैं तो अभी हम कंप्लीट कर देते हैं। वहाँ पे चार्ट में सिर्फ चार मॉडल्स बचे थे वो आपको कंटिन्यू लिखने हैं, जैसे नीड टू का फंक्शन होता है नेसेसिटी कंपल्शन, यूज टू का होता है हैबिचुअल पास्ट और डिसकनेक्टिव हैबिट्स इन द पास्ट, फिर डेयर टू का होता है ब्रेवनेस, और फिर इनअप टू का होता है सफिशियंसी। तो बेसिक फंडामेंटल नंबर टू में इतना ही है, जो मॉडल्स है आपने इसमें यहाँ पे अभी लर्न कर लिए है और मॉडल्स के फंक्शंस कैसे रहते हैं। फिर आगे चलते मैं स्पेशल एक्सरसाइज इस पर लेने वाला हूँ, तो जो स्पेशल एक्सरसाइज इसकी रहेगी, जो स्पेशल एक्सरसाइज इसकी अभी रहेगी, तो स्पेशल एक्सरसाइज में इसके सेंटेंसेस कैसे यूज होते हैं वो स्पेशली मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। इसका जो भी रहेगा आपके लिए एक स्पेशली सेंटेंसेस का जो भी एक्सरसाइज है मैं स्पेशल आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। तो बेसिक फंडामेंटल नंबर वन हमारा पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट हो चुका है और बेसिक फंडामेंटल नंबर टू हमारा मॉडल ऑक्सिलरीज कंप्लीट हो चुका है। तो आगे चल के हम आगे चलेंगे और लेसन में बेसिक फंडामेंटल नंबर थ्री की तरफ, फिर अगले एपिसोड में जरूर देखिए। और इसलिए मेरा ये चैनल हमेशा आप सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरा ये पूरा का पूरा बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स जो यूट्यूब चैनल पे पूरा का पूरा फ्री है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट 10th और 12th का ग्रामर तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये, और 8th स्टैंडर्ड से लेके सभी बच्चों को और 5th स्टैंडर्ड से लेके सभी बच्चों के सबको ये पूरा ग्रामर का टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको ये पढ़ना और सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में इसके ऊपर बहुत सारे मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, तो ये अच्छी तरह से आप अगर आप इस लेसन पर पढ़ लेते हो या फिर हमारे ये चैनल पर आप पढ़ लेते हो, ज्वाइन कर लेते हो, सब्सक्राइब कर लेते हो, तो आपको ये पूरा का पूरा कोर्स डिटेल में अच्छी तरह से आ जाएगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और बने रहिए मेरे साथ, हमेशा मेरा ये चैनल यूट्यूब पे देखते रहिए, और विद्यार्थियों को भी आप बताइए, आपके दोस्तों को बताइए, आपके रिलेटिव्स को बताइए और शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।